मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई हाईवे पर शेरपुर की पुलिया के पास सोमवार को अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो कार पुलिया के पास पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीओपी किरण अहिरवार ने बताया कि शेरपुर की पुलिया के पास यूपी के कानपुर जा रही एक स्कॉर्पियो पलटने से कानपुर निवासी 50 वर्षीय सायरा बानो की मौत हो गई, जबकि जुबेर खान, सलीम खान, कनीश और हबीब खान घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं सर बाथरूम करने के लिए उतरा, साइड में खड़ी करके रोड से मतलब 3-4 फीट दूर खड़ी करके बाथरूम कर रहा था मैं। इतने में मतलब प्रॉपर मेरी बाथरूम भी नहीं हो पाया, इतने में गाड़ी को लेके साथ में लेके चला गया। अच्छा। मैं देख रहा हूँ तो ये गाड़ी तेज थी या गाड़ी बहुत मतलब कम से कम बता रहा हूँ 200 की स्पीड। अच्छा। करनवास थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग की है, ये अनियंत्रित होकर शेरपुर लिया है वहाँ पर पलट गई है, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला जिसका नाम सायरा बानो पति हनीफ उम्र 50 साल है उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें बाकी अन्य 4 लोग घायल हैं जिनको ब्यावरा अस्पताल रेफर किया गया है।